मैं डॉक्टर निशी, सीनियर IVF स्पेशलिस्ट फ्रॉम प्राइम IVF। आज डिस्कस करेंगे हम सेकेंडरी इनफर्टिलिटी के बारे में। मेरे पास अगर 100 पेशेंट आते हैं, उसमें से 50-60 पेशेंट जो होते हैं वो सेकेंडरी इनफर्टिलिटी के होते हैं। तो आप मुझसे पूछेंगे कि ये प्राइमरी इनफर्टिलिटी या सेकेंडरी इनफर्टिलिटी क्या होती है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि इनफर्टिलिटी क्या है। कोई भी कपल अगर एक साल तक साथ में रहता है, अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स करता है, उसके बाद भी कंसीव नहीं होता है, तो हम उसको इनफर्टिलिटी कहते हैं। अगर उसकी एज मोर देन 35 है तो ये इनफर्टिलिटी की डेफिनेशन बदल जाती है। हम वहाँ एक साल की जगह 6 मंथ ही अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स कर रहा है, उसके बाद बेबी नहीं हो रहा, तो उसको अपने इनफर्टिलिटी के इन्वेस्टिगेशन या जाँचें करानी चाहिए या डॉक्टर के पास विजिट करनी चाहिए। अब क्या होता है कि कई बार कोई पेशेंट हमारे पास आते हैं तो वो बताते हैं कि उनकी प्रीवियस एक बेबी है, या उनके मल्टीपल अबॉर्शंस हो चुके हैं, या फिर उनकी एक्टोपिक हो चुकी है। अगर किसी भी पेशेंट ने एक बार कंसीव किया है, चाहे उसके बेबी हो या ना हो, चाहे अबॉर्शन हो, तो उसको हम सेकेंडरी इनफर्टिलिटी कहते हैं। या पेशेंट कभी कंसीव ही नहीं करा हुआ होता है, 18 साल शादी के हो गए, कभी उसको दिन नहीं चढ़े, कभी उसका कोई अबॉर्शन नहीं हुआ, कोई एक्टोपिक नहीं हुआ, तो उसको हम प्राइमरी इनफर्टिलिटी कहते हैं। जब सेकेंडरी इनफर्टिलिटी होती है तो जब भी कपल आता है तो हम उसका पूरा वर्कअप करते हैं कि पहले जब उसका अबॉर्शन हुआ था तो किस वजह से हुआ था, या उसका जो एक्टोपिक हुआ था वो क्यों हुआ था, ट्यूब की कंडीशंस कैसी थी, यूट्रस में ब्लड फ्लो था या नहीं था, और इस तरह से पूरा वर्कअप करके ही उसका आगे का ट्रीटमेंट करते हैं। तो जो प्राइमरी इनफर्टिलिटी, कई बार क्या होता है, एक पेशेंट आया कि हमें फर्स्ट तो आराम से कंसीव हो गया था, अब हम 10 साल से इसके बाद, मतलब फर्स्ट तो कंसीव हो गया, उसके बाद 4 साल तक हमने सोचा कि बेबी छोटा है हम नहीं करेंगे, उसके बाद 3 साल से हम कंटिन्यू ट्राई कर रहे हैं, इसके बाद भी बेबी नहीं हो रहा है। तो मैंने उसकी एज पूछी कि जब आपने फर्स्ट कंसीव किया था तब आपकी एज क्या थी, तो उसने कहा 27 ईयर्स। ये अब कितनी एज है, ये अब 37 ईयर्स है। तो मैंने कहा देखो आपने 3-4 साल तक तो प्रोटेक्टेड इंटरकोर्स किया कि आपको बेबी चाहिए ही नहीं था, उसके बाद आपने ट्राई शुरू किया, तो हो सकता है कि आपकी वाइफ की एज की वजह से एग की क्वालिटी में कुछ प्रॉब्लम आई हो, ट्यूब में कोई इन्फेक्शन हुआ हो, या इसके अलावा आपके जो सीमन एनालिसिस में कुछ प्रॉब्लम हुई हो। तो पूरा इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है। क्या होता है कि जब आपका फर्स्ट बेबी होता है तो आप काफ़ी यंग होते हो, आपकी एग की क्वालिटी अच्छी होती है, आपके सीमन एनालिसिस अच्छा होता है। जैसे जैसे आपकी एज होती है, मैंने आपको बताया भी है कि आफ्टर 35 एग की क्वालिटी एकदम से डिक्रीज होना शुरू होती है। तो इसलिए जब आप हमारे पास सेकेंडरी इनफर्टिलिटी करके आते हैं तो उस समय तक आपके थोड़े एज ज़्यादा हो जाती है, AMH वैल्यू कम हो जाती है, या आपके यूट्रस में कोई इन्फेक्शन होता है, तो इन सब चीज़ों को रूल आउट करके ही आपका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। तो अगर आपको सेकेंडरी इनफर्टिलिटी से संबंधित कोई भी क्वेश्चन है तो आप सजेशन बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं या मुझे ईमेल कर सकते हैं। धन्यवाद।